पढ़ना लिखना एक समग्र, सार्थक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि कक्षा में बच्चों को पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके उपलब्ध कराए जाएं। यह मौके बच्चों के जीवन के अनुभवों और परिवेश से जुड़े हों, जिससे पढ़ने लिखने की प्रक्रिया नीरस और निरर्थक न हो। कक्षा में आज की बात कराने के उद्देश्य: बच्चों को अभिव्यक्ति का मौका देना, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों को पढ़ने एवं लिखने के सार्थक मौके देना, बच्चों के घर के परिवेश को कक्षा से जोड़ना और उसे पढ़ने लिखने के अवसर के रूप में उपयोग करना, शिक्षक एवं बच्चों के बीच की दूरी को कम करना। आज की बात के दौरान कक्षा में कुछ इस तरह की बातें हुई। इन सभी बातों में बच्चों ने वह बातें बांटी जो उनके लिए उस दिन खास थी, जैसे अंजलि के घर में पूजा, ठंड का मौसम या अंजलिना का जन्मदिन। इन सभी बातों से बच्चों का जुड़ाव था, जिन्हें पढ़ने लिखने के मौकों में बदला गया। ये क्या लिखा है? आज आप बात बताएंगे ना कोई? सोच के भी आए ना? कौन बताएगा? कौन? अच्छा ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं, अंजलि से शुरू करते हैं। बताओ आज क्या हुआ अंजलि के साथ? अच्छा, आज मंदिर में पूजा हुई थी? आज घर पे पूजा हुई थी। ओ, आज अंजलि के घर पे पूजा हुई थी। चलो अच्छा, पहले ये वाली बात लिखते हैं अंजलि की। आज अंजलि के घर पे अंजलि आज अंजलि के क्या बोला था अंजलि ने? के कहाँ पे हुई थी? घर पे। पर घर पर पूजा हुई थी। ओके, क्या है आज की बात हमारी? आज अंजलि के घर पर पूजा हुई थी। वेरी गुड। अभी पढ़ेगा कौन? एक बार पीछे से कोई आएगा, एक बार आगे से कोई आएगा। अभी आप आइए, बारी बारी से, पहले पीछे से फिर आगे से। आज अंजलि के घर पे पूजा हुई थी। आज अंजलि का घर पर पूजा हुई थी। आज अंजलि के घर पर पूजा हुई थी। आपने गौर किया होगा कि आज की बात एक आम बातचीत नहीं है। हर दिन बातचीत का एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। निश्चय ही ये उद्देश्य पढ़ने लिखने से जुड़े होंगे, पढ़ने लिखने के एक नए मौके की तलाश से जुड़े होंगे। जैसे आपने देखा, अध्यापिका ने चर्चा कर बच्चों से अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया और उनकी बात को शाम पट पर लिखा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी छुट्टियाँ शुरू होने वाली है ना, सबकी छुट्टियाँ? पक्का सबको पता है? पता है? यस मैम। हाँ, वो छुट्टी नहीं, लंबी वाली छुट्टी, 1 2 3 4 5
इतने सारे दिन में नहीं छुट्टी? यहाँ अध्यापिका ने स्कूल में होने वाली छुट्टियों पर बच्चों से चर्चा की। लगभग सभी बच्चों ने बताया कि वे छुट्टियों में क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, पर ये दिवाली वाली छुट्टी है, बैठ जाओ। ये पूजा की छुट्टी है। अभी दिवाली आने वाला है। ये पूजा। पूजा किस चीज की? दुर्गा की। दशहरा, दुर्गा पूजा। छुट्टियों में इंडिया गेट जाएगा। अरे वाह! और एक बच्चे की बात को लिखा और पढ़ा गया। यहाँ अध्यापिका ने बच्चों का ध्यान लिखे हुए शब्दों की ओर केंद्रित किया ताकि वे पढ़ने की इस प्रक्रिया में लिखित शब्दों और ध्वनियों का सहसंबंध समझ सकें और अनुमान लगाने में वे और नए संकेतों का इस्तेमाल कर सकें। आज की बात को शाम पठ के ऊपर या नीचे की तरफ लिखा जाए, यह प्रिंट पूरा दिन शाम पठ पर लिखा रहना चाहिए ताकि दिन में दोबारा पढ़ सकें और लिखी हुई बात और शब्दों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकें। हम लोगों ने छुट्टियों में जाने से पहले बात करी थी ना कि छुट्टियों में सब लोग क्या क्या करने वाले हैं, है ना? आप सब लोग छुट्टियाँ अच्छी मनाई? खूब मजा किया? छुट्टियों में आपने क्या क्या किया? अच्छा, संगीता ने हाथ अच्छे से खड़ा किया। संगीता से शुरू करते हैं। छुट्टियों के बाद आज की बात के उसी विषय पर फिर से चर्चा हुई। बच्चों ने दशहरे के त्योहार पर अपने अनुभव बांटे। चिड़ियाघर में भी गए थे? अरे वाह! साजमीन पैदल पैदल कहाँ गई? इंडिया गेट। इंडिया गेट? अरे वाह! अच्छा चलो, सचिन छुट्टियों में रावण देखने गया। मैं लिख दूं? चलो ठीक है, मैं लिख देती हूँ। बच्चों की बातों को बोर्ड पर लिखा गया। बच्चों ने अनुमान के सहारे से लिखी गई बात को पढ़ा। छुट्टियों में रावण देखने गया। अब पढ़ो। रावण एक और में पढ़ के छुट्टियों में रावण देखने गया था। यहाँ पर बच्चों ने अपनी बनाई हुई और मिलजुल कर लिखी गई बात को ही अपनी अपनी कॉपी में लिखा। अपनी इस बात के साथ बच्चों ने संबंधित चित्र भी बनाए। अगले दिन अध्यापिका ने आज की बात की शुरुआत में बच्चों से यह शब्द बोर्ड पर स्वयं लिखने को कहे। लिखने के इस सार्थक मौके में सभी बच्चे अपने अपने ढंग से लिखने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रक्रिया में अध्यापिका ने बच्चों से चर्चा कर लिखने में उनकी मदद की। यहाँ अध्यापिका का प्रयास था कि बच्चे एक दूसरे की मदद से और कक्षा में उपलब्ध प्रिंट की मदद से आज की बात लिखें।
कक्षा के कुछ बच्चे काफ़ी समय से विद्यालय नहीं आ रहे थे। अध्यापिका का आज की बात का उद्देश्य उस दिन बच्चों की अनुपस्थिति पर चर्चा करना था। उन्होंने बच्चों से विद्यालय न आने के विभिन्न कारणों पर बात की। तो कोई जब दूर होता है और उससे बात करनी होती है तो आप क्या करते हो? फोन करते हैं और चिट्ठी लिखते हैं, है ना? फिर उसके पास जब चिट्ठी पहुंचती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगता है? इतना अच्छा। तो हम आज अपने अपने फ्रेंड्स को जो आज नहीं आए उनको चिट्ठी लिखे, ठीक है? अब मैं आप सब लोगों को एक एक पेपर दूंगी, ठीक है? पेपर में आप सबसे पहले उस बच्चे का नाम लिखना यहाँ पर जिसको आपने चिट्ठी लिखनी हो, ठीक है? फिर चिट्ठी में आपको जो भी लिखना है वो लिख देना। और फिर नीचे नीचे किसका नाम लिखोगे? अपना नाम। ये सारी बातें लिख सकते हैं ना आप चिट्ठी में? विजय, उदय, रंजीत, अंजलिना, अनीश, पंकज, रोहित, किसको लिखोगे? नाम चार्ट से सभी अनुपस्थित बच्चों के नाम ढूंढे गए। रंजीत को, रोहित को, दीपू को बोल रही। दीपू को, ये रहा दीपू। इस चर्चा से निकली उस दिन की बात को श्यामपट पर लिखा और पढ़ा गया। आप लोग मुड़ जाओ। आपको क्या लिखना है? नहीं, ये तो इसने अपनी बात लिखी है, आपको तो अपनी बात लिखनी है। अध्यापिका ने इस आज की बात को लेखन के एक मौके में बदला और कक्षा में सभी बच्चों ने अपने अनुपस्थित साथियों को पत्र लिखे। यहाँ अध्यापिका का उद्देश्य बच्चों को लेखन का एक सार्थक संदर्भ देना था जहाँ वे अपनी बातें लिख सकें। इस पर भी चर्चा की गई कि पत्र में क्या क्या लिखा जा सकता है। सभी बच्चों ने पत्र लिखे। अच्छा, आप लिखोगे आज अंजलिना नहीं आई तो आप तो अंजलिना को लिख रहे हो, और क्या लिखोगे? चेष्टा, चिट्ठी में क्या लिखोगे? अच्छा, नमस्ते लिख सकते हो, हेलो भी लिख सकते हो और हाय भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे? तुम उस आप उससे पूछोगे नहीं कि वो आज क्यों नहीं आए? क्या लिखोगे कि वो नहीं आए? तो बुखार है तो क्या हो? जब आपको बुखार होता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, तो आप लिख देना चिट्ठी में, मुझे पता है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाना, फिर मुझसे मिलने आना। फिर अध्यापिका ने उनसे पूछकर उन्हीं के पत्र को कागज पर दोबारा लिख दिया और मिलकर पढ़ा। हाय, ठीक है? अब आप ये बात नीचे लिखो, ठीक है? आप उधर आगे जाइए, ठीक है? बोर्ड के पास। आप मुझे जो पढ़ के मुझे सुना चुके हैं मैं उनको टेप दे रही हूँ। सचिन, सचिन कहाँ है? मैं पहले पढ़ के सुना था। हाँ, मैंने सुना। तो अभी रुक जाओ, जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है? पढ़ने लिखने के विभिन्न मौक़ों में आज की बात एक ऐसा मौका है जो कक्षा में बच्चों को पढ़ने लिखने को सार्थक रूप प्रदान करता है। वह एक ऐसा मंच है जहां बच्चे अपने विचारों और दैनिक अनुभवों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। वे स्वतंत्र और अर्थपूर्ण रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की बात से बच्चों में चिंतन और अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होता है। पढ़ने की प्रक्रिया जो इतनी कठिन, नीरस और क्रमवार मानी जाती है, बच्चों के लिए वह सरल और सरस हो जाती है।